पैरालंपिक में भारत की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट की अर्जी पर आज सुनवाई होने जा रही है। विनेश ने अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में अपील दायर की थी। सुनवाई के लिए खेल मामलों की कोर्ट ने विनेश को अपने वकील भी नियुक्त करने का मौका दे दिया है। अब सुनवाई जो है वो भारत के समय के मुताबिक आज दोपहर 1:30 बजे होगी और विनेश को मेडल मिलेगा या नहीं ये तय हो जाएगा। सीएस ने वकील चुनने के लिए जो वक्त दिया है हम मानकर चल रहे हैं, बहुत अच्छा वकील चुना जाएगा, अपने बात बहुत पुरजोर तरीके से भारत की स्टार खिलाड़ी जरूर रखेंगी। अब हरीश सालवे वकील रहेंगे। स्वामी जी वकील भी बहुत नामी गिरामी हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत अनुभवी हैं जी, और ओलंपिक को अपने कुछ जो उसके कानून हैं उसको न्याय के आधार पर, जो नेचुरल जस्टिस है उसके आधार पर चेंज नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी ये धींगा मस्ती नहीं होनी चाहिए, तानाशाही नहीं होनी चाहिए कि भाई जो हमने कह दिया वही फाइनल है। अरे भाई वक्त के साथ पूरी दुनिया के कानूनों में, संविधानों में, नियमों में संशोधन होते रहे। तो यदि कल तक वो विजेता थी और 100 ग्राम वजन बढ़ने से अगला मान लीजिए तुमने खेलने नहीं दिया, नहीं तो गोल्ड भी जीतती, तो सिल्वर की तो हकदार है, ये नेचुरल जस्टिस है। तो विनेश को ये मिलना ही चाहिए और ऐसे बच्चों को ऐसे निराश नहीं करना चाहिए, उनकी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए, उनको हौसला ही देना चाहिए।